कॉल हो गया। सही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयद अल्फकार अली शाह और मेरे साथ हैं सैयद अरमश अली शाह। हम लोग इस वक्त कराची में हैं। आज का दिन है 5th अक्टूबर 2020, मंडे है और हमारा आज इरादा है कराची से बाई रोड इस्लामाबाद जाने का, और वहाँ से इस्लामाबाद से हम लोग जाएंगे जो नया सवात मोटरवे बना है वो आप लोग को दिखाएंगे, और नया जो नारायण की तरफ जाएंगे अहमदाबाद हज़ारा मोटरवे जो बना है वो आपको दिखाएंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि बाबूसर टॉप अगर स्नो नहीं है तो वो भी हम कवर करें। और जो हमारी गाड़ी है ये है फिल्डर 1500 सीसी, टोयोटा फिल्डर हाइब्रिड 1500 सीसी। तो व्यूअर्स, ये है हमारी गाड़ी टोयोटा फिल्डर हाइब्रिड 2015 मॉडल, 1500 सीसी है ये गाड़ी, और ये टूर हम इस गाड़ी पे करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस गाड़ी में हमने अपना सामान वगैरह सब रेडी कर लिया है। ये देखें, गाड़ी के अंदर सामान वगैरह हमने डाल दिया है और अभी हम लोग बस टूर के लिए निकलने वाले हैं। तो व्यूअर्स, ये है हमारी गाड़ी टोयोटा फील्डर अंदर से, और गाड़ी आप देख सकते हैं कि फुली रेडी है टूर के लिए। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हमारी गाड़ी में ये हाई ऑक्टेन डल रहा है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, और गाड़ी हमारी इस पर फुल रेडी है। तो अभी हमारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डल रहा है और इसके बाद इंशाल्लाह हम सफ़र के लिए निकलते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम रेडी हैं, हमने पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में हाई ऑक्टेन। ये मेरे अबू बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो अभी हम रेडी हैं, बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं ट्रिप के लिए, इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। ये व्यूअर्स, हमने शराबगोट से पेट्रोल डाला है और ये हमारी गाड़ी का मीटर है, और पेट्रोल अभी हमने डाल लिया शराबगोट से। तो अभी हम हैदराबाद मोटरवे पे बस निकल रहे। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हम लोग मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, और ये अभी इस वक्त हम लोग बहरिया टाउन कराची के गेट के सामने हैं। तो अभी हम इसके सामने से क्रॉस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1.5 घंटे में हम लोग हैदराबाद पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे। ये है जी कराची का बहरिया टाउन। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हम ये तकरीबन 1 घंटा के बाद, अभी 8:30 बज रहे हैं, और अभी हम लोग ये हैदराबाद के मोटरवे टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम नेशनल हाईवे पे सफ़र करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी जो है वो हम मोरो के करीब एक होटल पर रुके हैं रात का खाना खाने के लिए। तो अभी हम ये एक रोड साइड होटल है, इस पर रुके हैं, और ये होटल जो है वो मोरो के करीब है। और ट्रैवल करते वक्त हमेशा हमें यही चाहिए कि हम रोड साइड होटल्स का खाना खाएं, क्योंकि और यहाँ पर हमेशा दाल टाइप हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैवलिंग में ज़रा हल्का और इजी भी रहता है, उसके साथ साथ इनका खाना भी अच्छा होता है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अभी ये हमारा खाना आ चुका है। हमने खाने में ये दाल, उसके साथ ये आलू, उसके साथ रोटी, और ये जी गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, और ये भूख लग रही है सलाद में। चले आए भाई। तो अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हम साथ खैरियत के सखर पहुंच चुके हैं। अब हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है, पेट्रोल फुल करा लिया है शेल से। उसके बाद अब जो है हम ये रोड M5 टोल प्लाजा से एंटर होने लगे और सखर मुल्तान मोटरवे चढ़ने लगे। तो अभी आप हमारे साथ रहिएगा। तो अभी हम ये मोटरवे चढ़ने लगे सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर, कि हम अभी रेस्ट एरिया पर रुके हैं ज़ाहिर पीर से आगे, और इधर हमने चाय वगैरह पी है, और चाय वगैरह पीकर अब हम आगे मुल्तान के लिए चल रहे हैं।
अच्छा जी व्यूअर्स, तो अभी हम ये एक रेस्ट एरिया पर रुके हैं मोटरवे पर ना, तो ये रेस्ट एरिया है, यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, ये हमारी गाड़ी है। ये जी व्यूअर्स, अभी हम रेस्ट एरिया पर रुके हुए हैं, तो गाड़ी माशाल्लाह अभी हमारी बिल्कुल सही जा रही है, और ये रेस्ट एरिया है मोटरवे पर, और फैसलाबाद से अभी हम निकले थे बस, तो अभी अभी हम बस ये रेस्ट एरिया पर रुके हुए हैं। अच्छा जी, तो अभी हम लोग ये लाहौर से इस्लामाबाद वाले मोटरवे पर हैं, और अभी ये कलर कहार का एरिया आ चुका है, तो ये भी हम लाहौर से इस्लामाबाद वाली साइड पर जा रहे हैं। तो इस साइड पर टोटली ये चढ़ाई है, ये आप लेफ्ट पर भी देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एरिया है ये कलर कहार का। और ये अभी हम लाहौर से इस्लामाबाद वाली साइड जा रहे हैं, और इधर जो है ये टोटली चढ़ाई है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो फाइनली अभी 2 बज रहे हैं, और हम अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामाबाद मोटरवे जो है ये एग्ज़िट कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद हम एक तरह से पहुंच चुके हैं। तो ये इस्लामाबाद की मोटरवे है, और तो ये अभी हमने मोटरवे एग्ज़िट कर दी है इस्लामाबाद वाली, और अभी इस्लामाबाद आ चुका है, आप देख सकते हैं ग्रीनरी इस्लामाबाद की, और ये अभी जो है इस्लामाबाद आ चुका है। अभी जो है माशाल्लाह से हम लोग कराची से तकरीबन 7:30 बजे चले थे, और नॉन स्टॉप इस्लामाबाद हम दोपहर में 2 बजे तक पहुंच गए। अच्छा जी व्यूअर्स, तो रात में हमारा स्टे जो था वो तरबिला डैम में था, तो मैंने सोचा कि सुबह आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूं यहाँ का। यहाँ आप देख सकते हैं हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, क्योंकि ये जगह एक पहाड़ी पे है, और सामने आप ये देखेंगे तरबिला डैम का व्यू है, और मैं आपको ये थोड़ा और करीब से भी दिखाता हूँ। ये जी ये इधर ये रिजर्वायर है, वो सॉरी डैम की दीवार है ये, और ये पूरा जो है वो पानी पानी, बाकी आप ये देख सकते हैं ग्रीनरी। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अभी हम मौजूद हैं तरबिला डैम में, रात हम लोग तरबिला डैम आ गए थे, रात हमारा यहीं पे स्टे था तरबिला डैम में। तो अभी आज सुबह रात में तो काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने सोचा कि आज सुबह मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊं, तो मेरे पीछे भी आप लोगों को काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, उसी के साथ साथ जो है मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए ये ग्रीनरी ग्रीनरी है, आगे आप ये देखिए ये तरबिला डैम चल रहा है, ये है इसका पानी है, उसके साथ साथ आप ये देखें ये सामने पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं, जहाँ पर मतलब ग्रीनरी है, मस्जिद, ये रोड्स वगैरह, ये सारा कुछ। ये आज हम तरबेला से अभी मरदान की तरफ जा रहे हैं, लारसपुर रोड हमने ये लिया है, और इससे आगे हजरों के पास से हम यूनिवर्सिटी के पास से वहाँ मोटरवे चढ़ जाएंगे, और फिर मैदान जाएंगे। अभी रास्ते में आपको दिखाते हैं और मोटरवे मरदान वाला और मरदान की सैर कराते हैं, मरदान की तरफ हम चलते हैं। चलिए, ये हम यहाँ से मोटरवे अब इन हो रहे हैं, पेशावर वाली साइड पे यही मरदान को जाएगा, छज टोल प्लाजा से अभी हम ये मोटरवे चढ़ रहे हैं, तो आगे देखते हैं। ये जी अभी हम मैदान की तरफ जा रहे हैं, मोटरवे पे M1 मोटरवे है इस्लामाबाद से पेशावर वाला, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मोटरवे है ये, लेफ्ट साइड पर आप ग्रीनरी देखें, आएगी नहीं सामने से, उस साइड से सूरज है।
बस तो अभी हम ये मोटरवे पर रश करके इंटरचेंज आ गए। यहाँ से जो है अभी हम मोटरवे एग्जिट करेंगे और आगे जो है वो फिर मर्दान की तरफ हम करेंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं रश करके इंटरचेंज है, अच्छा जी व्यूअर्स, तो अभी हम ये रात का खाना खाने के लिए गाजी से आगे एक होटल है, ये गाजी फिश पॉइंट एंड चप्पल कबाब के नाम से, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ अभी जा के चेक करते हैं कि खाने में इनके पास क्या क्या है और इनका क्या सीन है। अच्छा जी, तो अभी जो है हम यहाँ पर चपली कबाब का सीन देखते हैं। चपली कबाब की जो है ये बड़ा ज़बरदस्त इनका चपली कबाब का सीन चल रहा है, हमने अभी इनको चपली कबाब बोले। तो यहाँ पर आप ये सीन देखें, इस साइड पर जो है ये टिक्के बन रहे हैं, उसके साथ ये यहाँ पर जो है ये चपली कबाब बन रहे हैं। चपली कबाब तो आपको पता ही है कि इधर के पी के वाली साइड पर यहाँ पर एक खूबी है और इधर ही सबसे बेहतरीन के पी के में ही चपली कबाब मिलते हैं। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर हम खाना खाने आए हैं। हमने यहाँ पर वैसे तो खाने में काफ़ी सारी डिशेज़ हैं, तो अभी हमने खाने में इनको चपली कबाब और टिक्के बोले, ये दोनों चीज़ें यहाँ की स्पेशलिटी हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमने बोली हैं। तो अभी ये दोनों चीज़ें बने तो फिर हम आपको इनका सीन दिखाते हैं कि ये कैसी हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अभी ये हमारे टिक्के तैयार हो चुके हैं, ये आप देखें टिक्के, इसके साथ ये सलाद और रायता। तो अभी हमें कबाबों का इंतज़ार है बस। बाहर टिक्के फ़िलहाल शक्ल से तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी अच्छे होंगे और गर्मा गर्म ये तंदूर की। अच्छा जी, ये अभी सीन है, ये चपली कबाब बन रहे हैं हमारे, ये आप देख सकते हैं, ये इसके नीचे साथ अभी ये चपली कबाब बन रहे हैं। अच्छा जी, तो ये अभी हमारे चपली कबाब भी आ चुके हैं, ये चपली कबाब आप देख सकते हैं, और टिक्के हमने खाए हैं, टिक्के तो बड़ी ज़बरदस्त हैं। अभी चपली कबाब खा के ट्राई करते हैं कि क्या सीन है, ये कैसे। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अभी हम ये तरबेला से जो है वो सीरीकोट की तरफ जा रहे हैं, हाइटेड लोकेशन है, वहाँ से बड़ा अच्छा टॉप से आपको व्यू नज़र आएगा तो अभी हम जाते हैं। अच्छा जी, तो ये अभी हम रास्ते में हैं, ये इधर ऊपर आपको दिख रहा होगा एक रोड जा रहा है, और यही रोड ऊपर स्टेप में होती हुई ऊपर पहाड़ के ये जाएगी, इसी टॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं।
हाँ जी, तो अभी हम ये श्रीकोट के रास्ते में ही जो है वो स्पॉट है यहाँ पर, रुके तो यहाँ से आप व्यू चेक करें ये नीचे। ये नीचे का व्यू है, उसके साथ साथ ये यहाँ से हो रोड होता हुआ ऐसे नीचे जा रहा है। ये बिला लेक भी दिख रही है और ये इस तरफ जो है ये तरबेला लेक है और ये आगे रोड जो है आगे हाइट पे जा रहा है। ये जी गाड़ी हमारी फ़िलहाल ज़बरदस्त जा रही है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। ये पापा खड़े हुए हैं और ये व्यू, ये आप देख सकते हैं जी ऊपर से रोड आ रहा है, ऊपर से होकर ये नीचे जा रहा है। ये नॉर्मल व्यू यहाँ का, उसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं, खामोशी इन जगहों पर सुकून बहुत होता है। ये आप देख सकते हैं एक पहाड़ है, उसके पीछे दूसरा है, उसके पीछे तीसरा है और उसके पीछे और चौथा है और ये ऊपर से आ रहा है। ये हम श्रीकोट टॉप पर आ गए हैं और ये हमारे सामने इधर श्रीकोट का टाउन है, हाइट पर हम मौजूद हैं। यहाँ से हमें चारों तरफ व्यू मिल रहा है और ये नीचे रोड आपको दिख रही होगी, इस रोड से हम आए हैं ऊपर। इस वक्त थोड़ी बूंदी दिख रही है, तरबेला लेक भी दिख रही है, काफी ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, व्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा। ये नीचे भी रोड जा रहा है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, तो श्रीकोट से हम वापस आ रहे थे तो वापसी के रास्ते में एक ये होटल सा बना हुआ है, ये होटल है, तो हमने सोचा कि ज़रा रास्ते में चाय तो पी लें ज़रा, क्योंकि इतना अच्छा मौसम, ऊपर से बंदा चाय भी ना पिए तो फिर फ़ायदा। तो यहाँ से मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा और व्यू मैं चेक करा दूँ, तो यहाँ से व्यू आप देखें, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। ये व्यू आपको खुद नज़र आ रहा होगा, असल में सूरज जो है वो टाइम ऐसा हो गया है कि इस वक्त 5 बजे का टाइम है, तो सूरज जो है वो बिल्कुल कैमरे की उसमें है, जिस वजह से जो है बिल्कुल कैमरे पर जी कैमरे के स्क्रीन बैक पे, बैक पे वहाँ पर वो जो बड़ी बिल्डिंग और वो दिख रही है, ये आप समझे कि श्रीकोट, वो श्रीकोट आपको दिख रहा है। अच्छा जी, तो अभी हमने यहाँ से होटल से चाय पी ली है, अभी जो है हम वापस जो है वो तरबेला की तरफ जा रहे हैं। आज फ्राइडे है और ब्राइट सनी मॉर्निंग है, अभी हम लोग आज सुबह उठे हैं, थोड़ा सा आज हमारा रावलपिंडी जाने का प्रोग्राम है तो वहाँ की भी आपको वीडियोस वगैरह बनाकर बताते हैं। और यहाँ आप देखें खूबसूरती कितनी है, ये तरबेला है, ये आप देख सकते हैं जी कितना खूबसूरत एरिया है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, आप बस उस साइड आप पहाड़ देख सकते हैं और यहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, ब्राइट सनी मॉर्निंग है।
और बस अब हम निकलते हैं, चलते हैं। चलें अरमश। चलें जी। अच्छा जी, तो रास्ते में जो है हम रेस्ट हाउस से अपने निकले थे, तो रास्ते में हम यहाँ पर रुके थे, तो यहाँ पर अभी आप ये देख सकते हैं, ये आपको सारी झील नज़र आ रही होगी, ये कबीला डैम की झील है। इसके बारे में बेहतर मेरे फादर बताएंगे आपको, ये बताइए इस झील के बारे में। ये मेन लेक जो है तरबेला की, वो तो पीछे है, ये बाद में जब गाजी बरोदा बैराज इन्होंने बनाया है, जो गाजी का जब बैराज बना है, तो उसके बाद फिर ये पानी को यहाँ पे स्टोर किया है और ये लेक बनी है। इसके आगे बैराज है, यहाँ से बरोदा की पावर चैनल निकल रही है, जो आगे अटक के पास वहाँ ये दोबारा ये वाटरफॉल करके और बिजली बन रही है। ये आप देख सकते हैं जी इलाके की खूबसूरती। ग्रीनरी देखें आप कितनी है और कितना खूबसूरत ये बाइंडिंग रोड है।